हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करें आज का सेशन। आज के सेशन में हम सीखेंगे सर्वर्स जनरल डिजाइन इश्यूज। तो क्या है सर्वर्स जनरल डिजाइन इश्यूज, आइए जानें। सबसे पहला वर्ड जो हमारे पास सर्वर्स जनरल डिजाइन इश्यू में है वो है सर्वर्स। तो सर्वर्स क्या है ये जानते हैं पहले। सर्वर्स आर स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर सिस्टम। ये स्पेशल टाइप के कंप्यूटर्स हैं जो कि एक स्पेशल रोल अदा करते हैं। हर एक सर्वर का एक विशेष रोल है। एंड दी सर्वर्स प्रोवाइड सर्विसेज और रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर्स। ये दूसरे कंप्यूटर्स को सर्विसेज और रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, और जो कंप्यूटर सर्वर्स को रिक्वेस्ट करते हैं सर्विसेज के लिए, रिसोर्सेज के लिए, वो कंप्यूटर्स क्लाइंट कंप्यूटर्स कहलाते हैं। तो इस तरह से सर्वर्स क्या है, ये स्पेशलाइज्ड हैं स्पेसिफिक कामों को करने के लिए, जैसे कि होस्टिंग ऑफ वेबसाइट्स, फाइल्स की स्टोरिंग, ईमेल हैंडलिंग और भी कई सारे कामों को ये सर्वर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट, सर्वर्स के बाद हमारे पास हैं जनरल डिजाइन इश्यूज। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, जनरल डिजाइन इश्यूज। अब ये क्या है इनके बारे में जानते हैं। दीज आर द थिंग्स वी नीड टू थिंक अबाउट। ये वो चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं सर्वर्स को सेट करने के दौरान। जब भी हमने सर्वर्स को क्रिएट करना है या सेट करना है तो हमें कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और कई प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये डिजाइन इश्यूज कहलाती हैं। वी हैव टू मेक श्योर दे वर्क रियली वेल। हमें ये इंश्योर करना होता है कि हमारे सर्वर जो हैं वो अच्छी तरह से चलें और सिक्योर हों और कभी भी ये रुके ना, ब्रेक डाउन ना हो। तो इस तरह से ये हमारे डिजाइन इश्यूज हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं। इसलिए दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड क्रिएटिंग दी सर्वर्स। तो जनरल डिजाइन इश्यूज के दौरान क्या होता है, ये सर्वर्स जो हैं सेट किए जाते हैं और कैसे सेट करने हैं ये सारी प्लान करने की प्रोसेस है। तो इट इन्वॉल्व चूजिंग द राइट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सर्वर्स को सेट करने के दौरान और प्लान करते हुए हमें क्या क्या ध्यान में रखना है कि हमें राइट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चुनने हैं। सर्वर्स सर्व डेटा और रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर्स कॉल्ड क्लाइंट्स। ये तो हम पहले भी जान चुके हैं कि जो कंप्यूटर्स सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं रिसोर्सेज और डेटा के लिए वो क्लाइंट्स कंप्यूटर्स कहलाते हैं। तो इस तरह से सर्वर जनरल डिजाइन इश्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो नेक्स्ट, व्हेन वी आर डिजाइनिंग ए सर्वर वी नीड टू थिंक अबाउट थ्री मेन थिंग्स। जब भी हमने सर्वर को डिजाइन करना है तो हमें तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले आर्किटेक्चर। अब आर्किटेक्चर किसे कहते हैं, इट मींस हाउ वी कैन डिवाइड द डिफरेंट टास्क ऑफ सर्वर इनटू डिफरेंट पार्ट्स। इसमें क्या ध्यान में रखा जाता है कि जो सर्वर के काम है उनको अलग अलग मॉड्यूल्स और पार्ट्स में कैसे डिवाइड करना है, आर्किटेक्चर में ये ध्यान में रखा जाता है। और इनमें हरेक पार्ट्स को एक दूसरे के साथ मिलकर काम को पूरा करना होता है। तो आर्किटेक्चर में क्या ध्यान में रखा जाता है, क्या किया जाता है, इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि हमने सर्वर के कामों को कैसे अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड करना है और इनसे सभी से कैसे टास्क को पूरा करवाना है। तो ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आता है सर्वर को डिजाइन करते हुए। सेकेंड है जो हमें ध्यान में रखनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है,
इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स द फिजिकल एंड वर्चुअल कंपोनेंट्स दैट मेक अप द सर्वर। इसमें किन चीजों का ध्यान रखना है और क्या क्या चीजें आती हैं? सर्वर की वो पार्ट्स, वो कंपोनेंट्स जिनको मिलाकर सर्वर बनेगा, जिनके कॉम्बिनेशन से सर्वर सेट होगा, क्रिएट होगा, उन चीजों का ध्यान में रखना इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है। जैसे कि क्या हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर कौन कौन से होंगे, नेटवर्क्स कौन कौन से होंगे, तो ये सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स द फिजिकल एंड वर्चुअल कंपोनेंट्स, वो फिजिकल और वर्चुअल पार्ट्स जो कि सर्वर को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर के बारे में जाना। अब जानेंगे थर्ड कौन सी चीज है जो हमें सर्वर को डिजाइन करते हुए ध्यान में रखनी है। थर्ड है मैनेजमेंट, सर्वर की मैनेजमेंट। पहला कौन सा है? सर्वर का आर्किटेक्चर। सेकंड है सर्वर का इंफ्रास्ट्रक्चर। और थर्ड सर्वर की मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में हमें देखना है हाउ वी एल कीप द सर्वर रनिंग स्मूथली। मैनेजमेंट में हमें यह ध्यान में रखना है कि सर्वर अपने कामों को स्मूथली करे, ये हम कैसे कर पाएंगे, ये ध्यान में रखना है। और साथ में हमें सर्वर की परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर करना है और सर्वर की सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखना है। एंड मेक श्योर इट इज अवेलेबल व्हेन नीडेड। और हमें यह भी ध्यान में रखना है कि जब भी सर्वर की जरूरत हो, सर्वर से सर्विस की जरूरत हो, वो उसी टाइम हमें सर्वर अवेलेबल हो। इस तरह से व्हेन वी डिजाइन ए सर्वर, जब भी हम सर्वर डिजाइन करते हैं, वी वॉन्ट इट टू वर्क रियली वेल, हम उसे अच्छा चलता हुआ चाहते हैं, सर्वर अच्छा चलना चाहिए। और क्या चाहिए? बी सेफ फ्रॉम हैकर्स। सर्वर जो है हमारा, वो हैकर से भी सेफ होना चाहिए। और भी कई थ्रेट्स हैं जिनसे हमें सर्वर को सेव करना होता है। तो इस तरह से मैनेजमेंट में इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। एंड नॉट ब्रेक और गो ऑफलाइन। तो ये भी ध्यान में रहे कि हमारा सिस्टम डाउन ना हो बार बार अक्सर। तो ये मैनेजमेंट के बारे में हमने सीखा, क्या मैनेजमेंट में ध्यान में रखा जाता है। तो आज के सेशन में हमने क्या सीखा? सर्वर्स डिजाइन इश्यूज। तो सर्वर क्या है वो जाना हमने। फिर डिजाइन इश्यूज कि सर्वर को क्रिएट करने के दौरान, सेट करने के दौरान हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। तो मेन हमें तीन चीजों का ध्यान रखना है, सर्वर के आर्किटेक्चर का, सर्वर के इंफ्रास्ट्रक्चर का और सर्वर की मैनेजमेंट का। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आज का सेशन यहीं तक, यहीं स्टॉप करते हुए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस टाइम एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।